क्या कह रहे थे आप? ये कहने लगा था कि जो नसीम शाह है वो अभी तक सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म कहाँ देखिए आप? किस गाने पे? अच्छा सबसे अच्छा कहाँ देखिए? सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया यार? इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, नसीम शाह ने परफॉर्म किया, पता नहीं है किसी को किया है। सबसे अच्छा परफॉर्म किया है मदिया शाह ने। मदिया शाह यहाँ के जो 90s में फिल्मों में आती थी ना हीरोइन, हमारी बहुत अच्छी परफॉर्म किया। अपने पे नहीं ले जाएं आप शाह हैं? आप शाह हैं? नहीं, मदिया शाह हमारी बड़ी अच्छी हीरोइन बच्ची हीरोइन थी, जानती है काम नहीं कर रही है वो, अगर चाहें तो अभी भी बहुत अच्छा काम कर सकती है। आपको पता था ये क्रिकेट लवर है? हाँ नहीं नहीं, तो फिर क्या बर्ड लवर? तो फिर शादी क्यों की? फिर शादी क्यों की? लो मैंने तो ट्रांजिशन वीडियो देख के की है। क्या करते थे ये, उसमें क्या करते थे, ऐसा क्या था? क्या था आपको अदा पसंद आ गई? उसमें क्या बताते थे? अदा वदा नहीं, ट्रांजिशन वीडियोस वो अदा तो सिंधी में भाई को कहते हैं अदा। अरे अदा ये बात है कि मेरे पापा भी जो है बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको कंपनी में खेलते हो? अच्छा, इसीलिए आपको कंपनी से मुझे भी है। तो आपने खेली क्रिकेट? खेली, मैंने क्रिकेट खेली और मेरे अब्बू बहुत अच्छे स्नूकर खेलते थे, इसलिए मेरे को आइडिया है स्नूकर का। क्रिकेट तुम लोग छोटी चीजें खेलो, छोटी नहीं। हाँ लूडो चैंपियन। ओहो, तो सारी गोटियां तो हार के मार रही थी। नहीं वाकई में यार ये अच्छा, लेकिन ये पता है आपको जिस चीज का शौक हो ना, हाँ, वो काम करें करें। मैं करना चाहता हूँ, मुझे मना कर देते हैं। क्या शौक है आपको? क्यों बताऊं? वो शौक ही ऐसा बता नहीं पा रहा। अच्छा आप बताए। हाँ क्या? मैं यही बता रहा था कि मेरे फादर खेलते थे तो मुझे वाइन से शौक था और मैंने अंडर 19 के ट्रायल्स तक दिए। मैं था फास्ट बॉलर। हाँ यस। क्या बात कर रहे हैं, कितनी स्पिन भागते हैं आप? अंडर 19 पाकिस्तान अंडर 19 जी ट्रायल्स दिए मैं। ट्रायल तक भाई, ट्रायल तक पहुंचना बड़ी बात है उसमें तो। एग्जैक्टली यार, तालियां होनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात है यार। बात मैं बात पे आज पता लगी होगी ये, मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहते थे बड़ी अच्छी बात याद आई जब जब पहुंच गया। अल्लाह रहम करे, क्रिकेट के बहुत शौकीन है तो शहरोज आप अपनी कोई तारीफ कुछ बताएं यार। शहरोज आपने आपने बताया नहीं कि ये एसएन जो इसको 4 आउट हो गए। क्या बात कर, 4 आउट हो गए? वाह 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 वाह, ओवर क्यों नहीं बता रहे? अच्छा बता, मुझे ऐसा लग रहा है हम ग्राउंड के बाहर बैठे, झांकता है आ जाता है स्कोर लेके। अच्छी बात यार, आपको किस चीज का शौक है बताइए? क्रिकेट का शौक शुरू से ही आपको? बहुत है। मुझे बचपन से क्रिकेट का शौक है, बचपन से बहुत खेली है। तो बचपन में कूदते थे घरों में, लोग होता है ना बॉल गिर गई बॉल लेने जाते। अच्छा हमने बैल बहुत बजाई है, बैल बहुत बजाई है। किसने बोला ये बैल नहीं घंटा है? आपको एक मजे की बात बताऊं, ना पाकिस्तान में जो शॉर्ट टेप बॉल खेला जाता हैदराबाद और कराची से, सही है? इसी वजह से हमारे पास पेसर बहुत अच्छे हैं। लेकिन पंजाब में भी अच्छे हैं, तैमूर मिर्जा है। क्या बात है, एग्जैक्टली तैमूर मिर्जा। वहां पे अभी बड़ी है ना क्रिकेट, साठ जो ये क्रिकेट कराची और हैदराबाद बहुत सी क्रिकेट खेलते हैं भाई। और कराची वालों को चाहिए सिर्फ टेप बॉल ही खेले, तो यही वजह है, यही वजह उसी भाई कि पेसर बहुत अच्छे मिलते हैं। स्पिनर नहीं है हमारे पास, स्पिनर क्यों नहीं? स्पिनर करते हैं घरों में करते हैं। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में कोई कराची से खेले? मुझसे जवाब लेकिन लेकिन आप जब भी कराची को प्लेयर जाए खेलने तो डोमिसाइल अपना पंजाब का बनवाए। नहीं नहीं ये फजूल बात है, ये बात इंतहाई फजूल बात की, अलग ऐसे ही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, टैलेंट है ना, टैलेंट जो होता है वो वॉशरूम की तरह होता, नहीं रुकता। टैलेंट जो टैलेंट स्प्रिंग की तरह होता है, जितना जोर से दबाओगे इतना जोर से उछलेगा। मेरा ऐसा मैं सही बताऊं, गद्दे के स्प्रिंग नहीं उछलते। हाँ देखो आपको तो आइडिया होगा। अरे हारिस रऊफ ने भाई एक ओवर में 2 विकेट ले लिए हैं। 135 पे 5 आउट। ये चीज शरोज भाई की प्रेडिक्शन भाई, हारी रोफ का प्रेडिक्शन सही होगी, आप देखिएगा। भाई कह रहा है हारी रोफ का एक्स्ट्रा देंगे, कह रहा है जी। यार मेरा एक सवाल है कि आपने हमें 2.5 घंटे के पैसे दिए, अगर ये पहले जल्दी आओ। नहीं नहीं, 1 घंटे 1.5 घंटे का अच्छा बॉम्ब अप होगा, 2 घंटे में पता भी गंदी बातें होंगी। 1 घंटा हर बंदा पैसों की, यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हर कोई कब मिल जाएंगे ना, इससे एक स्टेप आगे बढ़ना है। देखिए मैं एक सीरियस बात करना चाहता हूँ, बड़ी अजीब बात चल रही है। देखिए हम सबको हर चीज का शौक होता है, किसे हर अपना पैशन होता है। सबसे मजेदार बात ये कहते हैं कि जो आपका पैशन हो वही प्रोफेशन बन जाए तो उसमें आपको बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं ना जब शौक खत्म हो जाए ना, जब शौक खत्म हो जाए आपको, जब शौक का शौक खत्म हो जाए किसी चीज का, तो इसका मतलब है कि अब जिंदगी शुरू हो गई है।